साबरमती जेल से उमेश पाल को फोन पर धमकी दी थी। अतीक के आदेश पर एक गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल के घर गया था, जहां से उसने उमेश पाल की अतीक से फोन पर बातचीत भी करवाई थी। उमेश पाल हत्याकांड की जांच में इस वक्त एक और बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। जांच में शाइस्ता से जुड़ी बड़ी जानकारी यूपीएसटीएफ को मिली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक की मौत के बाद शाइस्ता प्रयागराज आई थी और उसे जब दफनाए जाने से पहले आखिरी बार वो देखना चाहती थी, इसलिए वो प्रयागराज पहुंची थी। और इसके लिए 16 अप्रैल को शाइस्ता प्रयागराज आई थी और खुल्दाबाद इलाके में किसी बेहद करीबी के घर पर रुकी थी। 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसीलिए जब दफनाया जा रहा था उससे पहले ही वो प्रयागराज पहुंच चुकी थी ताकि आखिरी बार उन्हें देख सके। अतीक के मर्डर के बाद प्रयागराज आई थी शाइस्ता, आखिरी बार देखना चाहती थी पति का चेहरा। पुलिस की सख्ती से शाइस्ता का प्लान हुआ फेल। माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की खबर मिलने के बाद शाइस्ता परवीन प्रयागराज आई थी। वो अतीक की हत्या के बाद आखिरी बार उसका दीदार करना चाहती थी। उसे कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किए जाने से पहले आखिरी बार उसका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन पुलिस के सख्त पहरे की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता के साथ शूटर साबिर भी था और दोनों कसारी मसारी के उस कब्रिस्तान तक पहुंचना चाहते थे जहां अतीक और अशरफ को दफनाया गया। इसके लिए शाइस्ता 16 अप्रैल को ही प्रयागराज आ गई थी और खुल्दाबाद इलाके में किसी करीबी के घर पर रुकी थी और बुरके में कब्रिस्तान पहुंची महिलाओं की आड़ में अतीक के शव के करीब तक पहुंचने की उसकी प्लानिंग थी और इसके लिए शाइस्ता प्रयागराज में ही रुकी हुई थी। लेकिन पुलिस को इसकी भनक भी नहीं हुई और सभी को यही लगता रहा कि शाइस्ता प्रयागराज नहीं पहुंची। पुस्तैनी कब्रिस्तान है और यहीं पर शाइस्ता आना चाहती थी, लेकिन जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम थे उसको देखते हुए लास्ट मोमेंट में शाइस्ता को अपना प्लान बदलना पड़ा और शाइस्ता यहां पर नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन पुलिस को भी आशंका थी कि शाइस्ता आ सकती थी, इसलिए महिला पुलिस कर्मियों को बुरके में भी तैनात किया गया था और भारी पुलिस फोर्स के साथ ही जनाजे में आने जाने वाले हर शख्स की आईडी भी चेक की जा रही थी, जिसकी वजह से शाइस्ता का प्लान फेल हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 17 अप्रैल को साबर के साथ शाइस्ता प्रयागराज से फरार हो गई। शाइस्ता से जुड़ी ये सारी जानकारी एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे असद के दोस्त आतिन जफर को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ से सामने आई। 16 अप्रैल को शाइस्ता आतिन के पिता जफरुल्लाह के घर पर रुकी थी। पुलिस के सूत्रों का दावा है कि उमेश पाल के शूटआउट वाले दिन आतिन जफर ने ही असद का मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड इस्तेमाल किया था, जिससे पुलिस को गुमराह किया जा सके। फिलहाल पुलिस आतिन से पूछताछ के बाद सामने आए तथ्यों की जांच में जुट गई है ताकि पूरे मामले का सच सबके सामने लाया जा सके। बड़ी खबर इस वक्त की, अतीक और उसके भाई अशरफ के खिलाफ अदालत में चल रहे सभी मुकदमे बंद कर दिए जाएंगे। पुलिस ने कोर्ट में अतीक और अशरफ का मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया है, जिसके बाद कोर्ट ने मुकदमे बंद करने पर अपनी मुहर लगा दी है। अतीक के खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उसके भाई अशरफ पर 54 मुकदमे दर्ज थे। अब जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया गया है, इन पर चल रहे सारे मुकदमे बंद कर दिए जाएंगे। वक्त है।